सभी को नमस्कार। इससे पहले वाली क्लास में एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ा रहे थे महाजनपद काल स्टार्ट कर दिया था। महाजनपद काल में सबसे पहला वंश, महाजनपद काल में 16 महाजनपद बताए थे, जिसमें से कितने बचे थे? केवल 4। 4 में सबसे शक्तिशाली महाजनपद उभरा कौन बन के है? मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। मगध का सबसे पहला राजा और पहला वंश, मगध का सबसे पहला वंश बृहद्रथ और सबसे पहला राजा भी बृहद्रथ। वंश भी बृहद्रथ, यहां तक पढ़ा दिया था। बृहद्रथ वंश का सबसे आखिरी शासक रिपुजन्य, रिपुजन्य को हराया। हरेक वंश के जो संस्थापक बनेंगे नाम है भट्टीय। भट्टीय किसको हरा देंगे? बृहद्रथ वंश के आखिरी शासक रिपुजन्य को हराएगा कौन? भट्टीय क्या थे? रिपुजन्य के वहां सामंत थे, इनके वहां सामंत थे और चैलेंज कर दिया, लड़ाई की, संघर्ष किया, जिसने हरा दिया किसको? रिपुजन्य को हराया और जीत गए, बन गए क्या? राजा। तो मगध में दूसरा वंश कौन सा आया? मगध में सबसे पहला वंश बृहद्रथ वंश, दूसरा वंश आया हरेक वंश का संस्थापक बना कौन? हरेक वंश का संस्थापक भट्टी। हरेक वंश चलेगा 545 बीसी से 412 बीसी। हरेक वंश 545 बीसी से 412 बीसी तक हरेक वंश का सबसे पहला राजा भट्टीय का पुत्र बिंबिसार। इसी बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिंबिसार का शासनकाल रहा 544 बीसी से 491 बीसी। इसका शासन रहा बिंबिसार का। बिंबिसार से कई सारे प्रश्न आते हैं। एक तो हो गया बिंबिसार, दूसरा हो गया अजातशत्रु। जैसे बाहुबली मूवी में प्रहलाद देव था, वैसे ही अजातशत्रु था। अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र, बिंबिसार दूसरा राजा, हरेक वंश का दूसरा राजा बिंबिसार। भट्टीय का पुत्र बिंबिसार, हरेक वंश का संस्थापक अगर पूछा जाए एग्जाम में तो भट्टीय होगा। हरेक वंश का वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो बिंबिसार होगा। हरेक वंश में लिख देते सेकेंड राजा, दूसरा किंग बिंबिसार को कहा जाता है। बिंबिसार को
ध्यान से सुनना, हर एक वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है और मगध का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। देख लेना, हरेक वंश का दूसरा राजा बिंबिसार, हरेक वंश का वास्तविक संस्थापक, हरेक वंश का संस्थापक भट्टीए, इनके पिताजी भट्टीए को हरेक वंश का संस्थापक कहते हैं। लेकिन हरेक वंश का वास्तविक संस्थापक, हरेक वंश का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार को कहते हैं। क्यों कहते हैं देख लेते हैं। इसने सबसे ज्यादा मगध में साम्राज्य विस्तार किया। किसने? बिंबिसार ने। दो प्रकार से साम्राज्य विस्तार किया, कम युद्ध करके ज्यादा विवाह करके, कम युद्ध करके और ज्यादा विवाह करके। सेकेंड राजा कौन है? बिंबिसार। वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, महान राजा भी कहा जाता है, हरेक वंश का महान राजा भी कहा जाता है। हरेक वंश देख रहे, हरेक वंश में बिंबिसार देख रहे। बिंबिसार का शासन काल 544 बीसी से 491 बीसी। वास्तविक संस्थापक मगध का क्यों कहा जाता है? मगध का वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है? किसको? बिंबिसार को। वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है? आंसर, मगध का साम्राज्य विस्तार किया। दो प्रकार से साम्राज्य विस्तार किया, पहले युद्ध करके, दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट विवाह करके। दो प्रकार से साम्राज्य विस्तार किया, पहला युद्ध करके, दूसरा विवाह करके। युद्ध करके इतना मायने नहीं रखता। बिंबिसार के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो युद्ध करके साम्राज्य विस्तार किया ये मायने नहीं रखता है, जितना मायने रखता है विवाह करके साम्राज्य विस्तार किया। वास्तविक संस्थापक इसीलिए कहा जाता है। साम्राज्य विस्तार सबसे ज्यादा किसने किया? बिंबिसार ने। कम युद्ध करके ज्यादा विवाह करके साम्राज्य विस्तार किया। उन लड़कियों से विवाह करता था बिंबिसार जिनके भाई नहीं होते थे, जो घर में अकेली होती थी, जिनके भाई नहीं होते थे, साम्राज्य में कोई लेने वाला ही नहीं, उनकी राज्य की पद पे कोई बैठने वाला ही नहीं, राजा के सिर पे एक बेटी है, ऐसी बेटियों से शादी करता था बिंबिसार। तो वो राज भी किसका हो जाता था? बिंबिसार का हो जाता था। साम्राज्य विस्तार का सिद्धांत अपनाया किसने? बिंबिसार ने। दो प्रकार से साम्राज्य विस्तार हो सकता है, या तो युद्ध करके साम्राज्य को अपने साम्राज्य में शामिल करो, या फिर किसी से विवाह करके उसके साम्राज्य को दहेज में दे। यही दो तरीके, दोनों तरीके किसने आजमाए? बिंबिसार ने। युद्ध करके साम्राज्य विस्तार किया उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना विवाह करके साम्राज्य विस्तार किया। देखते हैं विवाह संबंध। बिंबिसार के काल में विवाह संबंध, बिंबिसार बिंबिसार देख रहे, इसमें देखने जा रहे हैं विवाह संबंध। कई बार एग्जाम में विवाह संबंध से क्वेश्चन होते हैं। भारत बना देते,
ये भारत बना दिया। यहां पे क्षेत्र था मगध का, ये छोटा सा पहले मगध। सबसे पुरानी मगध की राजधानी गिरिव्रज, वृहद्रथ के समय पे, बिंबिसार के समय पे राजधानी मगध की राजगृह, राजधानी मगध की राजगृह बिंबिसार के समय में राजगृह। देखना ध्यान से, सबसे पहले विवाह कहां से करेगा बिंबिसार? वज्जी से। वज्जी की राजधानी थी वैशाली, ये है वज्जी क्षेत्र, ये वज्जी क्षेत्र है, सटा हुआ जिसे आज के जो ऊपरी क्षेत्र है तराई इलाका, पूर्णागिरी क्षेत्र, नेपाल का क्षेत्र क्या कहते थे? वज्जी संघ। वज्जी संघ को हराना इतना आसान नहीं था, क्योंकि पहाड़ों पे है वज्जी, पहाड़ों पे युद्ध करना उतना आसान नहीं होता, हराना उतना आसान नहीं होता, इसीलिए नेपाल गुलाम नहीं रहा है, क्योंकि वो पहाड़ों पे बसा हुआ है। वज्जी क्षेत्र को हराना आसान नहीं था, तो इन्होंने क्या किया बिंबिसार ने? विवाह कर लिया। यहां वज्जी के राजा थे चेटक, चेटक लिच्छवी वंश के थे, सभी क्वेश्चन आते लिच्छवी, लिच्छवी वंश के राजा थे चेटक। वज्जी जिसकी राजधानी वैशाली बताया, वंश कौन सा है? लिच्छवी वंश। लिच्छवी वंश उस समय सबसे खतरनाक वंश था, हराना इतना आसान नहीं था। यहां का राजा कौन है? राजा चेटक। राजा चेटक की पुत्री है खेलना, राजा चेटक की पुत्री है चेलना, चेलना से विवाह कौन करेगा? बिंबिसार। चेलना से चेलना वेड्स हो जाएगा क्या? बिंबिसार। हम लोग जानते हैं कि पहले जब विवाह नहीं होता तो एक घर होता है, जिसमें रहते हैं वो एक घर रहता है, जब विवाह हो जाता है तो दो घर हो जाते हैं, एक तो अपना घर, दूसरा ससुराल। अब देखो बिंबिसार के ससुराल क्या हो गए? वज्जी। इसीलिए नेपाल को ससुराल बोला जाता, भारत की ससुराल इसीलिए बोली जाती। सबसे पहले विवाह किसने किया था नेपाल क्षेत्र से? बिंबिसार ने विवाह किया था वज्जी क्षेत्र से, विवाह किया नेपाल क्षेत्र से, नेपाल का तराई इलाका वज्जी, उधर से विवाह किया किसने? बिंबिसार ने। वहां का राजा कौन? चेटक। चेटक की पुत्री चेलना से शादी की किसने? बिंबिसार ने। तो बताओ वज्जी क्या हो गई? मगध की ससुराल हो गई। अब इनडायरेक्ट तरीके से पावर बढ़ गई नहीं बढ़ गई? इसकी मगध की। अब मगध का क्षेत्र ये भी लिख सकते, इतना बड़ा हो गया क्षेत्र। फिर दूसरा टारगेट किया किसको? दूसरा टारगेट किया कौशल को। इधर है कौशल, इसकी राजधानी राजगृह। इस साइड में कौशल, देखो टारगेट कर रहा, पहले ये टारगेट, दूसरा ये टारगेट किया, ये क्या है? कौशल, कौशल क्षेत्र है। कौशल में राजा जो थे उनकी पुत्री बहुत छोटी थी, 5-6 साल की पुत्री थी, उनसे तो यह विवाह नहीं कर सकता, उनकी बहन से विवाह करेगा। राजा उस समय प्रसेनजीत, कौशल के राजा हैं, कौशल के राजा हैं प्रसेनजीत, कौशल के राजा हैं प्रसेनजीत, कौशल के राजा हैं प्रसेनजीत। प्रसेनजीत की बहन है कौशला देवी, प्रसेनजीत की बहन, प्रसेनजीत की बहन है कौशला देवी,
कौशला देवी से विवाह कौन करेगा बिंबिसार? पहला विवाह किसे किया? चेटक राजा लक्ष्मी वंश की उनकी पुत्री चेलना से शादी की, तो वज्जी भी मिल गया इनके साथ, ससुराल हो गई। दूसरी ससुराल किसको बनाई? कौशल को। कौशल में राजा कौन है? प्रसेनजीत। प्रसेनजीत की बहन है, पुत्री नहीं है। प्रसेनजीत की बहन कौन है? कौशला देवी। कौशला देवी से शादी की किसने? बिंबिसार। कौशला देवी मेट्स बिंबिसार। कौशला देवी संग बिंबिसार। दूसरी हो गई ससुराल कौन सी? कौशल। इसी कौशल से जब इसने शादी की किसने? बिंबिसार ने, तो दहेज में मिला काशी। इसी कौशल के प्रसेनजीत ने उनकी बहन से शादी की, तो खुशी में प्रसेनजीत ने क्या दे दिया? पूरा काशी दे दिया। पूरा काशी किसे दे दिया? बिंबिसार को। फिर तीसरा टारगेट किया, जो महान था उसे मैं, शक्तिशाली था, जहां पे लोहे का उत्पादन होता था ज्यादा, आवंती। दूसरा टारगेट किया, तीसरा आवंती क्षेत्र को तीसरा टारगेट किया। तीसरा टारगेट किया किसको? आवंती। आवंती को टारगेट किया। आवंती के राजा प्रद्योत, राजा प्रद्योत के कोई पुत्री नहीं, उनके तो सिर्फ पुत्र पुत्र हैं, तो क्या बिंबिसार पुत्र से शादी कर लेंगे? प्रद्योत के सिर्फ पुत्र हैं, पुत्री नहीं है। सोच रहे थे पुत्री होती तो शादी कर लेते, इसे भी क्या बना लेते ससुराल, किसको? आवंती को। लेकिन इनके तो लड़के लड़के पांच हैं, इनके तो लड़कियां ही नहीं। तो एक दिन क्या होगा, राजा प्रद्योत को एक पांडु रोग हो जाएगा। पांडु रोग। अवंती के राजा कौन है? राजा प्रद्योत। राजा प्रद्योत को पांडु रोग हो जाएगा। पांडु रोग। पांडु रोग बहुत सीरियस हो चुका था, सबने जवाब दे दिया, बेचारे मरने वाले थे। इसी के मौके का फायदा उठाया किसी ने? बिंबिसार। बिंबिसार के वहां एक इनका फैमिली डॉक्टर था, आज के समय पे क्या बोलते हैं? फैमिली डॉक्टर। उस समय क्या बोलते थे? राजवैद्य, जो राजा को या राजा की फैमिली को, फैमिली का इलाज करते थे, उनको बोलते थे राजवैद्य। पूछा गया एग्जाम में, पांडु रोग किसे हो गया? प्रद्योत। राजा प्रद्योत कहां के राजा? अवंती के। इस पांडु रोग के इलाज के लिए, बिंबिसार अपने राज्य से राजवैद्य, ध्यान रखना राजवैद्य, राजवैद्य का नाम है जीवक, राजवैद्य जीवक को भेजा इलाज करने के लिए। राजवैद्य जीवक स्टार लगाते हैं जीवक पे, कई बार एग्जाम में पूछा गया जीवक। राजवैद्य किसके दरबार में थे? बिंबिसार के दरबार में थे राजवैद्य जीवक। जीवक ने सही कर दिया किसको? राजा प्रद्योत को 10 दिन के अंदर सबने कह दिया था ये रोग तो सही नहीं होगा, अब राजा को मानना पड़ेगा। और राजवैद्य कहां के? बिंबिसार के राज्य के राजवैद्य, मगध के राजवैद्य, जिनका नाम है जीवक। जीवक इनको 10 दिन में टनाटन कर देंगे। किसको? राजा प्रद्योत को। फिर राजा प्रद्योत क्या हो जाएंगे? मगध के मित्र, खासम खास मित्र हो जाएंगे। ऐसा मित्र कभी युद्ध नहीं करेगा, जैसा आज मोदी जी करते हैं अलग अलग देशों से संबंध रखते हैं, मित्रता रखते हैं, वैसी मित्रता किसने बढ़ाई? बिंबिसार ने। अपना राज्य मजबूत करने के लिए मित्रता किसने बढ़ाई ज्यादा? बिंबिसार ने। फिर टारगेट किया किसको? भद्र। उस समय
भद्र पंजाब को कहते थे भद्र, इसे टारगेट किया। पंजाब का क्षेत्र, पंजाब को बोलते थे भद्र। भद्र में राजा की पुत्री थी, क्षेमा या खेमा, क्षेमा भी बोलते हैं, पंजाब के मुखिया की। तब पंजाब में राजा नहीं कहते थे, क्या बोलते थे? मुखिया। राजा को मुखिया बोलते थे। मुखिया की पुत्री थी जिसका नाम था क्षेमा। क्षेमा से भी बात कर लिया बीबी साहब ने, फिर पंजाब भी क्या हो गई ससुराल। तो ऐसे कितना बड़ा राज्य विस्तार किया बीबी साहब ने, शेर राज्य टारगेट किया, इतना बड़ा राज्य विस्तार किया बिना युद्ध किए। इसीलिए तो इसे मगध का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अब ये बुढ़ौती तक बूढ़ा हो चुका, अभी विवाह ही कर रहा है, इसके लड़के का नाम नहीं आ रहा है, इसके लड़के का, इसके पुत्र का नाम नहीं आ रहा है। जब राजा का बेटा बड़ा हो जाता है तो राजगद्दी की लालसा रखता है, जब राजा का बेटा बड़ा हो जाता है तो राजगद्दी की लालसा रखता है। लेकिन बिंबिसार तो मरे ही रहे, जब तक बिंबिसार मरेंगे नहीं तब तक अजातशत्रु बैठेंगे नहीं, जब तक बिंबिसार नहीं मरेंगे तब तक अजातशत्रु बैठेंगे कैसे? अजातशत्रु देख रहे हैं भाई पिताजी खत्म ही नहीं हो रहे, हम खुद बुढ़ौती में जा रहे हैं, अजातशत्रु सोच रहे हैं हम खुद बूढ़े हो रहे हैं, पिताजी तो मर ही नहीं रहे, तो फिर कैसे काम चलेगा, हम कब राजा बनेंगे और कितने साल राज करेंगे? थोड़े कठोर प्रवृत्ति का है अजातशत्रु, दुष्ट प्रवृत्ति का है। कौन अजातशत्रु? किसका बेटा है? ध्यान रखना, किसका बेटा है? कौसला देवी का बेटा है। कौसला देवी, पिता का नाम क्या है? बिंबिसार। बिंबिसार और कौसल की राजकुमारी थी कौन? कौसला देवी। कौसला देवी का पुत्र कौन होगा? अजातशत्रु। अजातशत्रु वैसा ही है जैसे बाहुबली में भल्लाल देव, सेम वैसा ही है अजातशत्रु, काफी खतरनाक है, दुष्ट प्रवृत्ति का, कठोर दिमाग का है अजातशत्रु। पिताजी गद्दी नहीं छोड़ रहे, बिंबिसार गद्दी नहीं छोड़ रहे, बूढ़े होते जा रहे हैं, कोई रोग ही नहीं लगता, क्योंकि इनके वहां कौन है? राजवैद्य जीवक है, वो इन्हें भस्म खिला के, बूटियां खिला के मरने ही नहीं देता। तो अजातशत्रु कई सारी चाल चलता है, पिताजी को मारने के लिए कई सारी चाल चलता है, एक में कामयाब होगा, एक में कामयाब होगा अजातशत्रु, किसको मार देगा, किसको मारेगा? अपने ही पिता बिंबिसार, बिंबिसार को मार देगा कौन? उसी का पुत्र अजातशत्रु मार देगा। अजातशत्रु का उपनाम पूछा गया है स्टेट पीसीएस में, मध्य प्रदेश स्टेट पीसीएस में पूछा गया है, अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुणिक। अजातशत्रु का उपनाम है कुणिक, कुणिक नाम है। मैप रद्द कर देते हैं, हेडिंग डाल दो अजातशत्रु। का पुत्र अजातशत्रु किसको मार देगा? अपने ही पिता बिंबिसार को मार देगा। और अजातशत्रु का बेटा उदयन अजातशत्रु को मार देगा। ये अपने बाप को मारेंगे और इनको इनका बेटा मार देगा, इसीलिए हिस्ट्री में पितृहंता वंश कहा जाता है। पिताओं को मारने वाला वंश कौन है? हर्यक वंश।
हर्यक वंश को क्या माना जाता है? पितृहंता वंश, अपने पिता को ही मार देते। बिंबिसार को मारा उसके पुत्र अजातशत्रु ने, गद्दी पे बैठेगा इसी का नाम कुणिक। अजातशत्रु का नाम कुणिक है, अपने पिताजी को मार के गद्दी पर बैठा। फिर देखना इनके बिंबिसार की एक बीवी तो नहीं थी, कई सारी बीवियां थी। वज्जी की राजकुमारी चेतक की पुत्री चेलना भी तो थी। चेतक की पुत्री चेलना अजातशत्रु की क्या हुई? सौतेली माँ हुई। ये अपने जब इनकी शादी हुई थी तो ये अपने साथ 18 लड़ियों का हार लाई थी। 18 सोने का हार था, 18 लड़ियों का हार, और सेचनक हाथी लाई थी। कौन? इनकी सौतेली माँ, जिनका नाम क्या है? चेलना। ध्यान से सुनो, चेलना वज्जी की राजकुमारी थी। चेलना जब इनकी शादी हुई थी बिंबिसार से तो दहेज में लाई थी 18 लड़ियों वाला हार। 18 लड़ियों वाला हार प्लस सेचना खाती। जब बिंबिसार की मृत्यु हो गई, बिंबिसार की वाइफ कौन है? चेलना भी तो उनकी वाइफ है। जब उनकी मृत्यु हो गई तो ये वियोग में चली गई। थोड़ा दिमाग इनका हिल गया, इतना ज्यादा वियोग में चली गई। और इन्हीं चेलना के पुत्र थे हेल और बेहेल। इन्हीं चेलना के पुत्र कौन है? हेल और बेहेल। चेलना के पुत्र कौन है? हेल और बेहेल। और हेल और बेहेल किसके भाई हुए, या फिर कह सकते हैं सौतेले भाई किसके हुए? अजातशत्रु के। फिर हेल और बेहेल ने अपनी माता से कहा कि ये राजपाट मगध का छोड़ दो, हम अपने कहां चलते हैं? अपने नाना के वहां चलते हैं। नाना कौन है? चेतक। ये चेलना यहां से चल देंगी अपने दोनों बेटे को लेके। एक बेटे का नाम है हेल, एक का नाम है बेहेल, प्लस और लेके क्या जा रही है? 18 लड़कियों का हार और सेचना खाती। ये पसंद नहीं आया किसको? अजातशत्रु। अजातशत्रु ने कहा तुम हेल और बेहेल को ले जाओ, लेकिन ये 18 लड़ियों का हार और सेचनक हाथी हमारे मगध की संपत्ति है, हमारे पिताजी की संपत्ति है, ये हम ले जाने नहीं देंगे। लेकिन ये रात में लेके निकल गए। कौन? चेलना 18 लड़ियों का हार लेके अपने बेटे बेल है हेल बेहेल को लेकर और सेचनक हाथी को लेकर अपने मायके निकल गई। कहां पे? वज्जी। कहां निकल गई? वज्जी। अब वज्जी के जो शासक हैं, जो वज्जी के राजा है, राजा का नाम है चेतक। अब चेतक वृद्ध है। चेतक कैसे है? बूढ़े हैं, वृद्ध है। चेतक वृद्ध हो चुके हैं, लेकिन अभी भी लिच्छवी वंश में कई सारे प्रतापी राजा हैं, कई सारे प्रतापी सैनिक हैं, जिनसे अजातशत्रु को डर लगता है। डायरेक्ट युद्ध नहीं करना चाहता अजातशत्रु, सेंध लगाना चाहता है। सेंध कैसे लगाएगा? एग्जाम में पूछा गया है, अजातशत्रु अपने मंत्री वत्सकार को जासूस बना के कहां भेजेगा? वज्जी। इसी वज्जी में क्या पहुंच चुका है? 18 लड़ियों का हार और सेचना खाती। डायरेक्ट अजातशत्रु कहता है कि हाथी वापस कर दो, 18 लड़ियों का हार वापस कर दो।
वज्जी के राजा चेटक ने मना कर दिया, कहा भाई हमने तो दहेज में दिया था, हम क्यों वापस कर दे? अगर तुमको लड़ना है तो हम कमजोर नहीं है, तुम लड़ सकते हो। अजात शत्रु को डर लगा, फिर उसने चाल चली किसके द्वारा? वत्सकार के द्वारा। अपने मंत्री वत्सकार को कहां भेजेगा? जासूस बना के भेजेगा वज्जी, और वहां से सारी जानकारी जुटाएगा। ये क्या कर देगा? वहां पे घुसपैठ कर देगा। इसको पता चल जाएगा कहां पे हथियार हैं, कितने घोड़े हैं, कितने सैनिक हैं, सब पता कौन लगा लेगा? वत्सकार। अब आक्रमण करेगा अजातशत्रु। अब आक्रमण करेगा अजातशत्रु। फिर अजातशत्रु वज्जी पे आक्रमण कर देता है, वज्जी भी खतरनाक है, एक से सैनिक है उसमें। जिस राज्य की वैशाली राजधानी है, लिच्छवी वंश के शासक वहां रहते, कमजोर नहीं है राज्य। वत्सकार को घुसपैठ में भेजा, लेकिन तब भी 16 वर्ष तक संघर्ष चलता रहा। 16 वर्ष तक वज्जी के साथ अजातशत्रु का सोलह वर्षों तक संघर्ष चलता रहा। 16 वर्षों तक संघर्ष चलता रहा। इसी संघर्ष में, इसी युद्ध में अजातशत्रु ने रथमुसल और महाशिला कंटक, बाहुबली में महाशिला कंटक वो होता है जो बॉल जैसा होता है, उसको मशीन में गुलेल जैसा होता है, उसको बड़े बड़े शिला, बड़े बड़े पत्थर नुमा संरचना उसमें फंसा के फेंकते, उसको महाशिला लेख, महाशिला कंटक कहते। इसी युद्ध में पूछा गया है अजातशत्रु ने कौन से हथियार का प्रमुख प्रयोग किया। इसी संघर्ष में पहला महाशिला कंटक कैसा होता था? कुछ ऐसा होता था, ऐसे फंसा के इसमें क्या डालते थे? पत्थर। यहां पे दोनों खड़े होते थे, गुलेल जैसा है, इसमें पत्थर डाल दिया पीछे लेके गए और उसे झटके से छोड़ते थे, और बड़ा पत्थर सैनिकों पे आगे गिरता था। ये महाशिला कंटक है। एक है रथमुसल, इसी युद्ध में क्या प्रयोग किया? रथमूसल तो देखा है बाहुबली मूवी में, ऐसे दो बैल होते हैं। यहां पे राजा विराजमान होता है अजातशत्रु, और यहां पे आगे की तरफ एक पंखा लगा होता है रथमुसल। कुछ ऐसा होता है रथमुसल, इसका भी प्रयोग किसने किया? अजातशत्रु ने। फिर इसने वज्जी से तो जीत हासिल कर ली, जब वज्जी से जीत हासिल कर ली फिर इसको बहुत ज्यादा घमंड आ गया। दूसरे को टारगेट किया, जहां की इनकी माता थी कौशला देवी, उस क्षेत्र का नाम था कौशल को टारगेट किया।
अपने ही मामा को टारगेट कौन करेगा? कौशल को टारगेट करेगा। कौशल कहेगा भाई क्यों संघर्ष हमसे कर रहा, तुम भी तो हमारे क्या हो, भांजे हो। प्रसेनजीत का भांजा कौन लगता है? अजातशत्रु। और किस पे अटैक कर देगा? प्रसेनजीत पे। कहेगा क्या कि तुमने वज्जी वालों की सहायता की, वज्जी वालों की सहायता की इसीलिए तुम पे अटैक कर रहे। प्रसेनजीत पे अटैक करेगा जहां की इनकी माता है। कौशल से संघर्ष। कौशल में इनके कौन है? मामा। कौशल में मामा है। मामा का नाम क्या है? प्रसेन। प्रसेनजीत। प्रसेनजीत इनके मामा का नाम है। कौशल में रहते हैं, इन्हीं की बेटी ने, इन्हीं की बहन कौन है? कौशला देवी। इन्हीं की बहन कौन है? कौशला देवी। और कौशला देवी माता किसकी है? अजातशत्रु की। अपने ननिहाल पे अटैक कर कौन कर देगा? अजातशत्रु। लेकिन गड़बड़ हो जाएगा, मामा इन्हें परास्त कर देंगे। किसका संघर्ष है? अजातशत्रु। अजातशत्रु वर्सेस प्रसेन। प्रसेनजीत कौन है? मामा। मामा हरा देंगे किसको? अजातशत्रु को हरा देंगे और कैद में बंद कर देंगे। ध्यान से सुनना, कैद में। अजातशत्रु क्या हुआ? दूसरे युद्ध में हारा और कहां पहुंच गया? कैद में। सलाखों के पीछे कौन खड़ा है? अजातशत्रु। ध्यान से सुनो, प्रसेनजीत की बेटी है, प्रसेनजीत की बेटी है जिसका नाम है वजीरा। प्रसेनजीत की बेटी का नाम क्या है? वजीरा। वजीरा कई बार चक्कर लगाती है कहां की? जहां पे अजातशत्रु बंद है। वजीरा इर्द गिर्द किसके चक्कर लगा रही है? जहां पे अजातशत्रु बंद है। अजातशत्रु क्या कर लेता है? वजीरा को फंसा लेता है। वजीरा को कौन फंसा लेगा? अजातशत्रु। और वजीरा क्या कहेंगे अपने पिताजी से? पिताजी कौन है? प्रसेनजीत। वजीरा कहेंगे शादी करेंगे तो अजातशत्रु से करेंगे, वरना शादी नहीं करेंगे। शादी करेंगे तो अजातशत्रु से करेंगे जो आपकी कैद में बंद है। फिर मजबूरी हो गई पिताजी की, प्रसेनजीत की मजबूरी हो गई। उन्हें अजातशत्रु को क्या करना पड़ा? बाहर निकाला। देखो दिमाग, अजातशत्रु को बाहर निकाला और अजातशत्रु की शादी किससे करा दी? विवाह किससे कराया? अपनी बेटी वजीरा से। वजीरा कौन है? इनके मामा की लड़की है, इसीलिए तो उत्तर भारत में मामा की लड़की से शादी हो जाती है। देखो कितना पुराना काम है। अजातशत्रु के मामा कौन है? प्रसेनजीत, जिससे इन्होंने युद्ध किया, युद्ध में हार गए, कारागार पहुंच गए। कारागार के इर्द गिर्द वजीरा निकलती थी। अजातशत्रु काफी स्मार्ट था, किसको फंसा लिया? वजीरा को फंसाया। वजीरा कौन है? इनके मामा की लड़की है। वजीरा ने कहा शादी करेंगे तो अजातशत्रु से करेंगे, वरना शादी नहीं करेंगे। तो फिर प्रसेनजीत ने इसको बाहर निकलवाया और वजीरा की शादी किससे कर दी? अजातशत्रु से। फिर से दहेज में क्या दे दिया? काशी। दहेज में फिर क्या मिल गया? काशी मिल गया। वजीरा से शादी करने का इनाम क्या मिला? काशी क्षेत्र मिल गया फिर से अजातशत्रु। यही काशी इनके पिताजी को मिला था जब इन्होंने शादी की थी कौशला देवी से। अब किसे मिला काशी दोबारा?
उन्हीं के बेटे अजातशत्रु को जब वो शादी किसे कर रहे वजीरा से छूट गए। फिर से कहां पहुंच गया अजातशत्रु? मगध पहुंच गया। मगध की राजधानी क्या है? राजगृह। राजगृह पहुंच गया अजातशत्रु, राजगृह पहुंच गया। फिर कल की क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे, अभी टाइम हो गया। कल की क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे। अभी ये दुर्ग बनाएंगे, दुर्ग बनाएंगे, उसी दुर्ग को इनके बेटे उदयन क्या करेंगे, उसी को राजधानी नियुक्त करेंगे, जिसका नाम रखेंगे पाटलिपुत्र। ये सब कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।